ओम नमः शिवाय। बहुत ही तेज वशीकरण विधि, ऐसा मंत्र जिसके जाप करने मात्र से ही और ये एक चीज़ उस व्यक्ति को खिलाने से होगा आपके वश में, जो प्यार आपसे बात करना पसंद नहीं करता हो या अपनी सास या ससुर को वश में करना चाहते हैं, आपकी ननद को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी को भी बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। परंतु ये सभी वशीकरण करने के कुछ नियम होते हैं। ये वशीकरण बहुत ही साफ मन और सच्ची श्रद्धा से ही करने चाहिए। स्नान करने के बाद ही इन वशीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई महिला किसी भी वशीकरण विधि को कर रही है और उन्हें मासिक धर्म की समस्या है, तो वे महिला किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग ना करें जब तक वे अच्छे से ठीक नहीं हो जाते। ठीक होने के बाद आप बहुत आसानी से किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पुराने साधक साध्वी हैं या जो हमारे नए साधक साध्वी हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही चमत्कारी और वशीकरण विधि पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वशीकरण को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? इस वशीकरण को करने के लिए आपको केवल थोड़ा सा शहद चाहिए। शहद शुद्ध होना चाहिए, आपको यूज़ किया हुआ शहद नहीं लेना है। आपको शहद लेना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही शहद लेना है और कुछ नहीं लेना है। और स्नान करने के बाद किसी भी एकांत स्थान पर बैठे और शहद को अपने हाथ में पकड़ें। हाथ में पकड़ने के बाद आपको 151 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद उसी दिन आप जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो, उस व्यक्ति को किसी भी बहाने से खाने या पीने की वस्तु में ये शहद मिलाकर दे दें। शहद पीने के बाद वो व्यक्ति आपके वश में होगा। ध्यान रहे, उस व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने उसे कुछ मिला कर दिया है। इस वशीकरण को मंगलवार के दिन ही करना है और मंगलवार की शाम तक ही आपको ये शहद उस व्यक्ति को खिलाना है या पिलाना है। ध्यान रहे, किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग किसी का गलत करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य में प्रयोग की गई सभी वशीकरण विधियाँ बहुत ही गलत होती हैं। सभी साधक साध्वी जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वी का भला हो सकता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी DM कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।